हेलो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि हमारे पैरों को साफ करना संक्रमण से बचने के लिए और पैरों की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए आइए आज जानते हैं कुछ ऐसे आसान से तरीके जिनके द्वारा आप अपने पैरों को साफ भी कर सकते हैं और उन्हें सुंदर भी बना सकते हैं। टिप नंबर 1 है नींबू। अगर पैरों की एड़ियां काफी ज्यादा फट गई हैं तो आप नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं। नींबू से आप अपने पैरों को स्क्रब कर सकते हैं। एक टब के अंदर अपने पैरों को डुबोने लायक गुनगुना पानी रख लीजिए और उसके अंदर एक नींबू को अच्छे तरीके से निचोड़ लीजिए। इस पानी के अंदर अपने पैरों को कम से कम 20 मिनट के लिए डिप करके रखिए और उसके बाद निचोड़े हुए नींबू के ही छिलकों से अपने पैरों को अच्छे तरीके से स्क्रब कर लीजिए। आप चाहें तो पैरों को स्क्रब करने के लिए नमक का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। टिप नंबर 2 है सिरका। अगर आपके पैरों में बहुत ज्यादा पसीना आता है तो अपने पैरों को सिरके के अंदर डिप करके रखिए और उसके बाद अपने पैरों को धो लीजिए। ऐसा करने से पैरों पर बहुत ज्यादा पसीने आने की समस्या दूर हो जाती है। टिप नंबर 3 है शहद। अगर आपको लगता है कि आपके पैर बहुत ज्यादा ड्राई हैं या फिर रूखे और बेजान हैं, तो अपने पैरों को सबसे पहले पानी से गीला कर लीजिए और उसके बाद अपने पैरों पर 10 मिनट के लिए शहद से मसाज करिए और उसके बाद गुनगुने पानी के अंदर अपने पैरों को 10 मिनट तक भिगोकर रखिए और उसके बाद प्यूमिक स्टोन से अपने पैरों को रगड़कर साफ कर लीजिए। ये आपके पैरों को काफी ज्यादा मुलायम बना देता है। टिप नंबर 4 है टमाटर का रस। अगर पैरों पर बहुत ज्यादा टैनिंग हो गई है तो अपने पैरों को अच्छे तरीके से वॉश करके अपने पैरों के ऊपर टमाटर के छिलके से हल्के हल्के हाथों से मसाज करिए। ऐसा करने से पैरों की टैनिंग दूर होती है। टिप नंबर 5 है प्याज का रस। अगर आपकी एड़ियां बहुत ज्यादा फटी हुई हैं, तो अपनी एड़ियों पर आप प्याज का रस लगाइए। रात को सोते समय आप प्याज के रस से अपनी फटी एड़ियों पर मसाज करिए। यह आपकी फटी एड़ियों को रिपेयर करने के लिए काफी अच्छा तरीका है। सो दोस्तों, ये है कुछ आसान से तरीके अपने पैरों की देखभाल करने के लिए। इन्हें ट्राई जरूर करिए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।